एक रिसर्च में कहा गया है कि पुरुष की तुलना में महिलाएं बहुत ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल करती हैं और बहुत ही शरारती अंदाज में बातें करती हैं, ऐसा रिसर्च में कहा गया था। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, ये बात सही है। उनका अंदाज निराला होता है और लड़के इसमें घायल हो जाते हैं। बेबी प्लीज ना। नो यार प्रेम, मुझे ना इन लड़कियों की तीन बातें बिल्कुल समझ नहीं आती। कौन कौन सी? एक तो ये बोलती है तुम ना बड़े वो हो। अब वो क्या होता है? दूसरी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तो फिर क्या उम्मीद थी? तीसरी, तुम ना पहले जैसे नहीं रहे। अरे पहले कैसा था मैं? अगर लड़की हंसी तो समझो लड़की फंसी। ये स्कीम मास्क लगाने के कारण बंद हो गई। बेबी, मेरा आज का हॉरोस्कोप पढ़े। आज के दिन जितनी भी पुरानी चीजें बदल के नई चीजें लाओगे तो लाइफ ही चेंज हो जाएगी। वाओ, चलो देख के बताओ क्या बदलना है। मुझे क्यों देख रहे हो? मुझे क्यों देख रहे हो? तुम क्या सोच रहे थे मैं तुम्हारे जाल में फंस चुका हूँ? नहीं, तुमने गलत सोचा, तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। बेटे हम नहीं, तू हमारे जाल में फंस गया। ये एरिया किसका है? हमारा। और हम आदमी कितने हैं? पांच। तो बेटे तेरा भूसी भर देंगे। तुम तो पांच जने बता रहे हो, तुम तो तीन ही हो। दो को और लेकर आओ तब मेरा भूस बनना। यार मैंने कल तो तुमसे दो को और काम लेके आऊं। अब देखो हो गया ना झंडे। यार वो काम पे चले गए, मजदूरी करने आ गए यहाँ पे। क्या चले? लेट हो गए ना, इतना टाइम लगाते हैं चाबी उठाने में। नहीं जाना मुझे। अच्छा ठीक है, सॉरी बेबी, मेरे वजह से लेट हो गए। सॉरी? तुम अपनी गलती मान रहे हो? अच्छा तो तुम अभी भी यही शो कर रहे हो कि मैं गलत हूँ और तुम सही हो, है ना? मैंने सोचा ही नहीं बेबी इतना। अब चले हम। चले? हाँ, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्लियर करो, मुझे आर्ग्यूमेंट करनी है तुमसे, नहीं तो मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। अरे भाई साहब, यहाँ को यही मुरादाबाद का पड़ेगा? भाई साहब सीधे जाके लेफ्ट लेन में मुरादाबाद पहुँच जाओगे। अबे मैं क्यों जाऊँ, तू जा। भैया तू ही तो पूछ रहा मुरादाबाद कहाँ पड़ेगा। पुजारी मत कह, तूने पूछा हमारे सामने, तो हमें जाना थोड़ी ना, पूछे ही तो है। भैया मार दूँ, मैं गलत हूँ, मैं जा रहा हूँ। सारा दिन लैपटॉप पे लगा रहा है कर, पड़ोसियों को लड़कों को देख। oh, no. सारे कामयाब हो गए। मम्मी पड़ोसियों की लड़कियां भी दिखा दिया करो, या हमेशा लड़के ही दिखाती रहोगी? यार हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है। बेटे तेल नहीं लगाती हो बाल में, इसीलिए हो रहा है। स्ट्रेस कम लिया करो, स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। ओ भाई तुझे कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज, तू मरने वाली है। मुझे कुछ नहीं, मेरी बात तो सुन ले, पर तू मेरी बात सुनती नहीं। मेरे को नहीं सुनना है, खत्म, इट्स ओवर, ब्रेकअप। आज के बाद मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना, मैं जा रही हूँ। कैसी ये है दूरी, यहाँ कोई हल ही नहीं। आज भी तू आया ना, कल भी नहीं गई। करेंगे दारू पटाऊंगा।
पता नहीं कौन सी लड़की अपने दिल में घर बनाने देगी। अरे कोई सुन रही है? या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भरू? बादलों की तरह ही तो तूने मुझ पे साया किया है, बारिशों की तरह ही तो तूने खुशियों से भिगाया है, आंधियों की तरह ही तो तूने होश को उड़ाया है। क्या बात है भाई आमिर, तू लोंडिया मुंडिया सेट ना करेगा, गर्लफ्रेंड ना बनाएगा अपनी? यार गर्लफ्रेंड में बॉय बनाऊंगा जो करोड़पति हो, मेरे ऊपर पैसा खर्च करे, क्योंकि भिखारी तो मेरे दोस्त भी हैं। मतलब हम भिखारी हो गए अब? ना है भिखारी तो खर्चा करते चल मुझसे। ना भाई हम तो बहुत बड़ा ले भिखारी हैं। एक्सक्यूज मी भैया। हाँ जी। एक्चुअली मुझे अपने बैंक का ना बैलेंस चेक करना था, तो आप मुझे बता दो कि बैंक का बैलेंस चेक करना है? एक काम करो, ये नंबर है, इस नंबर पे आपको मैसेज करना होता है बैलेंस के लिए। अच्छा, क्या लिख के करना पड़ेगा इसमें? आप लिखो, ये मेरा ही नंबर है, इसमें लिखो आई लव यू, फिर मैं लिखूंगा आई लव यू टू। अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो मुझे अकाउंट नंबर बता देना, मैं आपको पर्सनली बता दूंगा कितना बैलेंस है। और ये सर्विस आपको हमेशा मिलेगा, आप ना भी पूछोगे बैलेंस कितना है, मैं आपको खुद ही पर्सनली कॉल करके बता दूंगा, ठीक है? कर देना। नहीं मैं अकाउंट बैलेंस चेक करना। हाँ मैं ही बताऊंगा आपको, आप आई लव यू बोलो मुझे, मैं यहीं का मैनेजर हूँ बैंक का, कभी भी आई लव यू बोलो, आपको बैलेंस बैलेंस पूछने की जरूरत नहीं, आपको लिखना आई लव यू, देख लो नंबर रख लो, कभी भी बैलेंस बता दूंगा आपको। मेरा 2020 का एक ही सपना है, मुझे जिंदा रहना है। रो भी नहीं सकते वो खुलकर, हद है, मर्द होना भी क्या मुसीबत है।